भारतीय जनता पार्टी की वो टीम जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राजस्थान में बनाई और लोकसभा के चुनाव के अंदर इतना अंदाज किसी को नहीं था कि राजस्थान की 25 सीट जीत होगी और मार्जिन 2-3-5 लाख होगा। इसके अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान है तो मेरे सामने उपस्थित इन 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सब लोग इस जलसे के अंदर उपस्थित हुए। और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी को, जो लोकसभा के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए बोल लेता हूँ कि इनका सबका सहयोग रहता है, मेरी पार्टी थोड़ी सी हटके सहयोगी दल हूँ। बाकी नरेंद्र जी भी बोलने के लिए रात को 11-11 बजे तक हमारे साथ बैठते थे, कई मामले भी इन्होंने उठाए। और मैं 2 ट्रेन चालू करा दी, हवाई जहाज वाली भी तैयारी चल रही है सारी, ठीक है ना नरेंद्र जी? लोकसभा के अंदर मैं कहता नरेंद्र जी आप यार इतना क्यों परेशान हो रहे? बोले मैं तो बोल के ही जाऊंगा, जिद बहुत करते हैं। और लोकसभा के अंदर इन्होंने प्रयास भी किया और इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं कि मंडावा और खींवसर का जो चुनाव है वो राजस्थान की राजनीतिक दिशा तय करेगा। और मैं नरेंद्र जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, बड़ा मन रखा। और मैं नरेंद्र जी को, वैसे तो गुलाब जी भाई साहब पूरी जिम्मेदारी इनको देंगे, सतीश जी देंगे, राठौड़ साहब देंगे, लेकिन मैं इनका छोटा भाई हूं और मैं इनको जिम्मेदारी देके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं कि नरेंद्र जी चुनाव सुशीला सिंगड़ा नहीं लड़ रही है, नरेंद्र चौधरी पुणे मंडावा की धरती से विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अतुल चुनाव लड़ता, जितनी मेहनत आप करते उससे ज्यादा मेहनत करनी है, और आपने अगर सीट निकाल दी तो मैं ये भी आपको बता दूं कि खींवसर के अंदर तो कांग्रेस की विदाई तय है और मंडावा में आपने कांग्रेस को हरा दिया तो अशोक गहलोत की विदाई भी तय है राजस्थान के अंदर, ये मैं भरोसा आपको दिला दूं। आज इसमें इस कार्यक्रम के अंदर ममता सिंह उपस्थित, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता और मेरे लगातार सेकंड नंबर रजत पदक जीतते थे, इस बार गोल्ड मेडल जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे हमारे भाई हरलाल जी सारण साहब, जिनका राठौड़ साहब की जीत के अंदर काफी योगदान था। हाँ, बीजेपी से गोल्ड राधेश्याम जी धाबाई जी चेयरमैन साहब, अरुण खत्री जी, खेतर प्रधान जी, बिमला जी चौधरी, मेरे छोटे भाई राजेश बाबल, जाकिर झुनझुनवाला जी, एमएलए साहब सुभाष पूनिया जी, देखो सब लाइन में लगे हुए, चिंता मत करो, कुछ बन गए, कुछ बनने की कतार में सुभाष जी भी आ गए विधानसभा से, बजरंग सिंह जी, सम्मानित मंच, मंडावा की जीत इस राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करेगी। और भाइयों मैं किस उसी का परिणाम था कि हनुमान बेनीवाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और मैं भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बना था, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर कुछ बात हो गई थी, मैं बाहर आ गया था। और बाहर आके जब राष्ट्र को मेरी आवश्यकता पड़ी, मुझे लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के और जम्मू कश्मीर की 370 जनसंख्या वृद्धि के जो कानून आज तक सरकार नहीं बना सकी, बेरोजगारी जो आप किसान के बेटों के अंदर देख रहा था, हताशा देख रहा था, अगर इस माहौल के अंदर इस देश को कोई नई ऊंचाइयां दे सकता है, इस विश्व के अंदर अगर भारत का कोई मान बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मान बढ़ा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी का भारतीय गठबंधन किया, मैं तमाम वरिष्ठ नेता जो मंच में बैठे हैं इनको धन्यवाद दूंगा कि उस समय भी गठबंधन कराने के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब की बार भी इन्होंने बड़ा मन रखते हुए कहा कि खींवसर में हनुमान जी को आरएलपी को देंगे और मंडावा, भाइयों खींवसर अकेली सीट जीत जाए और मंडावा हार जाए तो हनुमान बेनीवाल की, सतीश पूनिया की इज्जत भी दांव पे, राजेंद्र राठौड़ जी और कटारिया जी की इज्जत भी। देखो नरेंद्र जी के बेटे का टिकट के अंदर नाम चला और हमारी सबकी इच्छा थी नरेंद्र जी का बेटा बहुत मेहनत करा टिकट मिले, लेकिन पार्टी का निर्णय था कि कहीं भी जो 24
या 25 जगह देश के अंदर टिकट परिवारों के अंदर नहीं थी, कार्ड थी। और नरेंद्र जी ने भी कह दिया कि मेरे लिए कोई नियम कायदे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, टिकट आप जिसको भी दोगे मैं जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर लेके आऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम टीम को जो टिकट मांग रही थी। मांगने का लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार होता है, लेकिन मैंने यह नजारा देखा कि सारे टिकट मांगने के साथ साथ जीतने के लिए एक सुर के अंदर सुशीला सीगड़ा जी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ये भी मैंने मंडावा के अंदर एक मामला देखा। और नरेंद्र जी का बड़ा मन देखिए, कई बार थोड़ा सा तो वातावरण घंटे दो घंटे के लिए एकदम से हो जाता है, लेकिन अब वातावरण ठीक हो गया पूरा। और बाकी जो बचा हुआ वातावरण है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 18 बात है तो हम सारे यहाँ आके बैठ जाएंगे आपके। हमारे लिए खेउं सर की जीत जितनी ज्यादा जरूरी जीत इस मंडावा की जीत है। ये मंडावा की लड़ाई रीटा चौधरी और सुशीला सीगड़ा की लड़ाई नहीं है। मैंने देखा था रीटा चौधरी को जो विधानसभा के अंदर थी, मैंने तो कभी उसको खड़े होके अपनी सीट पे बोलते हुए देखा, वो तो बैठी रहती थी। मैं देखता था ये भी कभी बोलेगी क्या, तो मैंने नहीं देखा उसको बोलते। तो भाइयों, जब जिसको परख लिया, जिसने काम नहीं किया, और बाप दादाओं के नाम से कितने साल तक अपन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुलामी करते रहेंगे बताओ। अब तो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी किसानों ने, और ये नए सामंतवादी लोग इस राजस्थान की राजनीति के अंदर पैदा हो गए। भाइयों, 70% को तो मैंने सल्टा, जो बचे अभी समय भी बचा है। नौजवानों, कमर कस लो। अशोक गहलोत जो घमंड के अंदर चूर है, दोनों सीट लेने की बात कर रहा है। अशोक गहलोत को दोनों सीटें हरानी है, ये दोनों सीटें आप हरा दो और बाकी का काम, इसकी विदाई का काम हम कर देंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, तो मैंने कहा गहलोत जादूगर नहीं है, गहलोत सपेरा बन गया। उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे 3 लाख वोटों से उन्होंने बिगुल बजाया, सीने पे गोलियां खाई, और कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो हनुमान की हुंकार से इस देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। बाड़मेर, बीकानेर और सीकर की रैली जब हुई थी, तब कटारा जी राठौर साहब ये भी थे, बात इनसे होती थी आप कुछ करो। सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया पूर्ववर्ती सरकार ने, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी, और बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कांग्रेस ने करी। मुफ्त बिजली की घोषणा जो पहले की हुई थी उसको खा गए, बिजली के बिल वापस आने लग गए। इसलिए हमें बहुत बड़ा आंदोलन इस चुनाव के बाद इस राजस्थान की धरती से करना है, इस शेखावाटी की धरती से बड़ा आगाज इस चुनाव के बाद करेंगे। उससे पहले आपको हमें ताकत देनी होगी। अभी सत्ता है, क्या ट्रांसफर करवा ले, एक ट्यूबवेल हैंडपंप खुदवा ले, उससे क्या हो जाता मुझे बताओ। अशोक गहलोत नौकरियां नहीं लगा पा रहा लोगों की, उनको छोड़ो, जो संविदा कर्मी थे जो नियमित करने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े, उन संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया। और कानून का आलम राजस्थान के अंदर ऐसा है कि अलवर के अंदर किस तरह दलित युवती का गैंग रेप का वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी अपने चेतों को बचाया, और AK-47 लेके बेरोड के थाने के अंदर अपराधी घुस जाते हैं और CI पेशाब कर देता है अपनी पेंट के अंदर। ऐसे हालात इस राजस्थान के अंदर देखने को मिले। भाइयों, सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी थी, लेकिन कानून का जो खुला मजाक इस समय उड़ा राजस्थान के अंदर कभी नहीं उड़ा। और जब गहलोत साहब के पास कोई लेके जाता तो एक ही बात कहते हैं, मेरा बेटा कैसे हार गया। उनको राजस्थान की चिंता नहीं है, उनको अपने बेरोजगार बेटे को कहीं ना कहीं रोजगार देने की चिंता है। इसलिए RCA में चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताओ, CM का बेटा RCA का चुनाव लड़े, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अशोक गहलोत को एक ही चिंता है कि RCA का अध्यक्ष बन जाए, RCA में 300-400 करोड़ रुपए इकट्ठे करके पड़े हैं, तो आराम से काम भी हो जाए और पास बांटने का धंधा कर ले। यही लगेगा RCA अध्यक्ष से क्या काम रहता है। RCA अध्यक्ष से पॉलिटिकल पद तो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बौखला गए और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि इस उपचुनाव में पता लग जाएगा। ये शायद सोनिया गांधी को 10 रुपए के स्टाम्प पर लिख के देखा है कि दोनों सीटें मैं जीता दूंगा, तब तक मुझे मुख्यमंत्री रख दो, एक बार एक मौका और दे दो। तो भाइयों, अपने अब ये चूक नहीं करनी है। आपको सुशीला सिंगड़ा को कमल का फूल दिखाई देना चाहिए आपको, और ये जो जीत होगी ये नरेंद्र जी के खाते में जाएगी सारी चीज झुंझुनू के अंदर, कि नरेंद्र जी ने मंडावा की सीट निकाली। और भाइयों, अगर हार होगी तो नरेंद्र जी के खाते में जाएगी, हम सबके खाते में जाएगी। कितने लोग गए थे वहां पे हेलीकॉप्टर लेके पर्चा भरने गए, उड़ाया भी था, हवा में घुमाया हेलीकॉप्टर, क्या कर लिया। आज
तो मैं आपको यही मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे खेमसर के अंदर भी पर्चा भरवाना है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। शेखावाटी की वीर भूमि के वीर नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं कि आप इस चुनाव को अपने जीवन की जंग के हिसाब से ले। भाइयों, जिस तरह तांत्या टोपे ने शुरुआत करी थी और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर असेंबली में बम फेंका, उसी समय अंग्रेज समझ गए हमें हिंदुस्तान छोड़ना होगा। ये दोनों चुनाव अगर आप जीत जाओगे तो अशोक गहलोत अपने आप ही तय हो जाए हट जाएगा, जिस तरह उसके बेटे को हार के हटाया था ये कांग्रेस वाले अपने आप ही भुला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की बहुत बड़ी खाई है। गहलोत बसपा के विधायकों को तो अपनी तरफ मिला रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि कांग्रेस के 40-50 विधायक तड़प रहे हैं कब मौका आए कूद जाए हटाने के लिए। वो भी ये राजस्थान के अंदर चला, राठौर साहब ने आपको सारी बात बताई थी, मैं धन्यवाद दूंगा। हजारों की तादाद के अंदर आप पहुंचे, मुझे भी उम्मीद थी कि जाऊंगा तो मंडावा की वीर भूमि है, या तो फिल्में भी बनी है, शोले फिल्म मंडावा रामगढ़ के उसके अंदर वो दिखाया हुआ है शोले फिल्म के अंदर, तो यहाँ के लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। अगर शहादत सबसे ज्यादा दी तो शेखावटी के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करने के लिए शहादत दी, और देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर खिलाड़ी किसी ने दिए तो हरियाणा पंजाब के बाद राजस्थान में शेखावटी के किसान के बेटे बेटियां हर फील्ड के अंदर आ गए। हमें तो वो जमाना भी याद है कि आज से 30-35 साल पहले जब गांव के अंदर हम बच्चे थे पढ़ते थे, तब सिर्फ नर्स और जो होती जो केरल की नर्स होती, अपना अपना तो यहाँ तो नर्सिंग में जाते ही नहीं थे। मैं धन्यवाद दूंगा झुंझुनू सीकर की बेटियों को कि इन्होंने राजस्थान के अंदर एक अलग जगाई और नर्सिंग और मेडिकल हेल्थ एजुकेशन के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके चंबल के भीड़ और बाड़मेर जैसलमेर के रेतीले धोरे और नागौर के रेतीले धोरे और मैदानी इलाकों के अंदर शिक्षा की अलग जगाई। हमारे वहां तो शिक्षा की क्रांति अब आई है, क्योंकि हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, इतने खड्डे खोद दिए कि उनको अभी भरने में काफी समय लगेगा, लेकिन मारवाड़ के खड्डे तो मैं भर दूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। और शेखावटी का अगर आशीर्वाद मिला तो आने वाला समय आपका है। भाइयों, जिस तरह देश को कांग्रेस मुक्त किया, अब एक ही नारा होना चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। इन उपचुनाव के बाद नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव पंचायत चुनाव पूरी ताकत झोंकनी है और कांग्रेस को खत्म करना राजस्थान के अंदर, और ये काम यहाँ का नौजवान करेगा। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है, और राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल के साथ चलता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहा। मेरे भाइयों की असली सत्ता के अंदर भागीदारी कैसे हो, ये लड़ाई अगर किसी ने लड़ी किसी किसान के बेटे ने, नेता तो बड़े बड़े हुए होंगे, आपके रामनारायण जी खूब लंबे और बड़े लंबे हाइट थी, बहुत बड़े नेता थे, कई मिर्जा थे, कई मदेरणा थे, कई और थे, लेकिन वो खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कभी तो कोई हरियाणा का उदार का दल का पर्चा लाते थे, कभी यूपी की कोई झंडी लाते थे, उसका टिकट बदल जाता था। पहला किसान का बेटा हूं, पार्टी भी बनाई और उसको मान्यता भाई राजस्थान के अंदर दिलाई, और बोतल का चिन्ह जो कांग्रेस छीन के ले गई थी मैं वापिस छीन के बोतल का चिन्ह आरएसपी के अंदर लेके आ गया। तो हनुमान जो कहता है वो करता है, और इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मंडावा की जीत ये सुशीला सिंगड़ा और नरेंद्र जी की जीत नहीं होगी, ये अशोक गहलोत की हार होगी। अशोक गहलोत का गुरूर तोड़ना है भाइयों, सारा हिसाब किताब पूरा करना है जो 40 साल से इसने किसान नेताओं को चुन चुन के खत्म किया राजस्थान के अंदर। खेमसर में इसकी दुकान इतने वोटों से समेट दूंगा जिसका अंदाज भी आप नहीं लगा पाओगे। पिछली बार तो मैं बाहर था, खुद के इलाके में वोट मांगने भी नहीं जा पाया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के गठबंधन के बाद चुनाव लड़ा तो जीत का आंकड़ा 55,000 था, 55 से कम नहीं होगी। लेकिन खेमसर जीत जाऊं और मंडावा नहीं जीते तो मैं भी मायूस हो जाऊंगा, और आपका हनुमान अगर मायूस हो गया तो जवानों आपको नई ऊर्जा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के जवानों को, बाड़मेर से लेकर बीकानेर गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ के जवानों को। जब भी मैंने संघर्ष के अंदर अपने आप को अकेला महसूस किया तब एक ही आवाज आई, हनुमान जी हिम्मत मत हारना, आप लड़ना, आप एकमात्र लड़ाका जो राजस्थान की राजनीति के अंदर आप किसान की सत्ता स्थापित करोगे, किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओगे और असली राज जवान और किसान के हाथ के अंदर लाओगे। इसलिए आपने अगर लड़ना छोड़ दिया तो दूसरा कोई लड़ाका हमें नहीं मिलेगा। भाइयों, मैं आपके जोश से और आपकी दिव्य ऊर्जा से संघर्ष कर रहा हूं। सरकार ने चाहे भी बहुत ज्यादा
परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन अब तो सरकार खुद हमसे परेशान है। अशोक गहलोत की अगर नींद किसी ने उड़ा दी तो हनुमान बेनीवाल ने उसकी नींद उड़ा दी, और बाकी तो राठौर साहब विधानसभा में रोज नींद गहलोत की उड़ाते हैं। आप देख रहे हो आपके सारे जो प्रमुख लोग हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। अब तो सत्य जी भाई साहब विधानसभा में साथ बैठ लेते, मुझे तो इन्होंने दिल्ली भेज दिया, ये ज्यादा बोलते हैं इसलिए इसको वहां भेजो दिल्ली। तो मैं दिल्ली के अंदर भी नरेंद्र जी को मालूम है, मौका लगते ही बात करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। दिल्ली में वो तमाम बात की, प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने कहा साहब पूरा धारा 370 हट गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब किसानों के बारे में अपने को बहुत बड़ी सोच के साथ काम करना होगा, क्योंकि किसान अगर मजबूत नहीं रहा तो देश नहीं बचेगा। जवानों के रोजगार के साधनों की व्यवस्था करनी होगी, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले और कानून का राज इस देश के अंदर हो। आतंकी जिनको सुरक्षा दी गई थी कश्मीर के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आतंकवाद को पनाह देते थे उनको जेड सिक्योरिटी कश्मीर के अंदर दी गई थी, उनकी सिक्योरिटी हटाते ही उनकी दुकानें बंद हो गई, घरों में घुस गए और कई तो अपने आप ही नजरबंद हो गए कि कोई आर्मी की गोली का शिकार नहीं बन जाए डरते हुए। तो ये जो माहौल इस देश के अंदर बना, पहली बार लग रहा है कि हिंदुस्तान आजाद है, पहली बार लगा 15 अगस्त को कि देश आजाद हुआ है। दो झंडे थे, दो संविधान थे, और वहां जाने के बाद अलग और यहां जाने के बाद अलग। धारा 370 और 35 से हटाने का कलेजा अगर किसी के अंदर है, जज्बा किसी के अंदर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई, और नवंबर का जो सत्र चलेगा लोकसभा का, आप देखना हर सत्र के अंदर जो आपके मन के अंदर जो जो चाहते हो वो सारे काम इस 5 साल के पीरियड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर करेगी। दिल्ली का विकास का पैसा झुंझुनू की धरती पर आएगा। झुंझुनू में भी नहर को लेकर हमेशा नेताओं ने वोट दिए, नहर तो नहीं आई, पानी तो लोगों की आंखों में ही सूख गया मेरे हिसाब से, लेकिन नहर के नाम से वोट जरूर लेते थे। और हमारे नागौर में तो जब नहर आ गई तो जो मरे हुए पुराने लोग थे वो जगह बोले हम लाए नहर, मैं तो मर गए थे आपके दादाजी पिताजी, अब कहाँ से लाए नहर, बोले हमने योजना बनाई थी, आपने ये योजना बनाई थी, क्योंकि पढ़ लिख के जयपुर नहीं पहुंच जाए, उल्टे भाषण देके नागौर में वोट लेते थे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, ऐसे हो जाएगा, सड़क आएगी तो चोर खोज का मंडेंगे चोर। तो भाइयों फिर भी नागौर की जनता ने उनको झेला, तो मारवाड़ में तो सफाई कर दी पूरी तरीके से, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, और शेखावाटी में भी आप सफाई कर दो, ये एक सफाई मंडावा से हो जाएगी, और बची खुची है अपन सब मिल लेंगे तो बची खुची सफाई भी कर देंगे। शेखावाटी कोई कमजोर नहीं है, इधर राजस्थान का सबसे मजबूत अगर इलाका है, सबसे ज्यादा नौजवान अगर जिस इलाके के अंदर है, आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान, शिक्षा के मामले में अगर सबसे ज्यादा सेवाएं कोई दे रहे हैं, तो शेखावाटी के किसान के बेटे बेटियां इस राजस्थान का गौरव है और राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक ही संदेश आपको देना चाहूंगा, उठ खड़े हो जाओ, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दो, और किसान के बेटों के हाथ के अंदर ये सत्ता आपको ये कह रही है, अगर सतीश जी अध्यक्ष बने और सतीश जी के अध्यक्ष बनने के बाद दोनों सीटें अगर मिलती है तो सतीश पूनिया का कद भी दिल्ली में बढ़ेगा, और बार बार आपके नेतों के अध्यक्ष बनने बहुत मुश्किल से नंबर आया, महाराज भी बैठे शोभानंद जी भी यहाँ, तो देखो मैं तो सहयोगी हूँ इनका, यह मुझे इनका मन है जीतता रखेंगे, लेकिन मेरा मन इनके साथ रहने का जबरदस्ती, इसलिए मैं साथ हूँ। चूंकि नागौर भी जाना है, ये लंबी चौड़ी बात नहीं कह के, सतीश जी भाई साहब और गुलाब जी भाई साहब भी अपना उद्बोधन देंगे, मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, और एक ही संदेश आपको देता हूँ कि आपको मंडावा के अंदर जब वोट डालने जाओ तो कमल का फूल नजर आना चाहिए, मोदी जी नजर आना चाहिए, और गहलोत की विदाई नजर आनी चाहिए, इस सीट से गहलोत की विदाई तय हो जाएगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप सबने हमें सुना, विशेषकर नरेंद्र जी को धन्यवाद, मेरी तरफ से पूरी भोलावन मैं नरेंद्र जी को और टिकट मांग रहे मेरे सारे छोटे भाइयों को देना चाहता हूँ। भाइयों एमएलए बनना सब कुछ नहीं होता, एमएलए तो मैं भी बन गया 3-4 बार, लेकिन मेरा मन ही नहीं है कि झंडी लगे बत्ती लगे, बत्ती में वैसे लगा घूमता था, मुझे शौक था बत्ती गाड़ी भी लगा घूमा 5 साल आते थे, गुलाब जी भाई साहब नाराज होते थे कि कानून क्यों तोड़ता, मैंने कहा भाई साहब मुझे मजा आता बत्ती लगाने में, बत्ती अगर लगाया हनुमान का मन हो गया तो ये प्यार करते थे मेरे से, तो बत्ती और झंडी का शौक नहीं है। अगर काम करोगे और जिस दिन भाग्य में लिखा सब कुछ मिलेगा, हो सकता है कि नरेंद्र जी के भाग्य में कोई बड़ी चीज लिखी होगी,
कैलाश जी हमारे विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रह गए और अब दिल्ली में मंत्री बन गए, योग मनाएंगे बाबा जी का। हम तो सुन रहे नंबर ही नहीं आने वाला आ गया कैलाश जी का। और नरेंद्र जी का औचकता कब आ गए सुशीला जी बने तो हम तो यही कहेंगे भाई नरेंद्र चौधरी ने सीट जिताई है मंडावा, हम बैठे हैं सब लोग और ये सही है। नरेंद्र जी की मेहनत थी, इनके बेटे की मेहनत थी और त्याग समर्पण किया और आज जिस हिसाब से इन्होंने मैनेजमेंट किया, जो मेहनत इन्होंने दो दिन के अंदर की, आपने पूरी पूरी ये आने के बाद लगा कि ये सीट भी जीतेगी। कल किसी पत्रकार का फोन आया था मेरे पास कि दिल्ली में गहलोत कह रहे थे कि खींवसर में तो टक्कर है, मैं निकाल लूंगा, लेकिन मंडावा तो मेरी आ गई। तो मैंने कहा आ गई तो फिर जुलूस आज ही निकाल लो ना, अभी फार्म क्यों भर रहे हो, सीट तो आ गई आप। तो अशोक गहलोत के दिमाग में इतना कचरा है, वो कचरा आपको निकालना है और वो कचरा अगर रह गया, आप रीटा को छोड़ो, रीटा को बाद में बनाना, 10 साल बाद जरूरी है कि कोई अभी बना, बाद में हो जाए। इस लड़ाई के अंदर आपके भाई पूनिया जी की ओर देखना, आपको इन सब लोगों की ओर देखना है, नरेंद्र जी की तरफ देखना है और हनुमान की तरफ भी देखना है, जिसने वहां बैठे कह दिया कि मंडावा भी जीता के लाएंगे। धन्यवाद दूंगा आरएलपी की तमाम टीम को, मेरे भाइयों को, भाई दौलत जी, जगदीप, राजेंद्र फौजी, और अगर भाई साहब कहेंगे तो आरएलपी की भी बड़े दो तीन हमारे पास इतने ही नेता हैं, ज्यादा भी नेता इधर उधर डेप्यूटेशन में चले गए आरएलपी के, तो मैं लगा देंगे पूरी ड्यूटी और मैं खुद काम करूंगा। मुझे बता देना कि भाई इतने दिन घूमना है और आपका मन हो जाए तो मुझे याद कर लेना वापिस, कांग्रेस का बैंड बजा देंगे मंडावा के अंदर, क्योंकि ये किसान के बेटों की धरती है, किसान बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। आपको इस जीत को सीधा मुख्यमंत्री की तरफ देख के चलना कि सीएम मंडावा के अंदर आ रहा, और भाइयों सरकार भी पूरी ताकत लगाएगी। अभी ट्रांसफर जो किए थे उससे क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट से स्टे लेकर आगे ट्रांसफर तो मेरे वहां पता नहीं कितने कर दिए, मुझे तो अंदाज भी नहीं। बढ़िया है, जितने ट्रांसफर करे उतने वोट अपने आप ही बढ़ जाते हैं, नाराज हो गए ज्यादा वोट देंगे, ये तो आप कर ही लोगे बाकी काम। मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं मंडावा के अंदर जाऊंगा, मेरे भाइयों को संबोधित करूंगा, क्योंकि आपने सुख दुख के अंदर हमेशा मेरा साथ दिया और मेरा आपसे दिल का रिश्ता है। और हनुमान जिस मंजिल पर खड़ा है, एक विचारधारा राजस्थान के अंदर बना, उसमें शेखावाटी के किसान के बेटों का बहुत बड़ा सहयोग है और राठौड़ साहब यहाँ के प्रभारी है और राठौड़ साहब की एक खासियत है, ये फिर जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। अभी इन्होंने हाथ में ले लिया ये काम, तो मंडावा निकालूंगा, लेकिन साथ साथ में हमारा उपयोग भी कसवां जी और सारे हम सब का, महाराज जी और सबका भी साथ साथ में राउंड आपके बना रहेगा। आप चिंता मत करो, जितनी बार मुझे बुलाओगे उतनी बार वोट की अपील करने मंडावा की धरती पे आऊंगा और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, ये प्रण आपको लेना है। दोनों हाथ खड़े करके आप बताओ कि सुशीला जी को यहाँ से जिताओगे और नरेंद्र जी और हम सब का, सतीश पूनिया जी का मान और सम्मान रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। अब निवेदन करूंगा मैं।